अमिताभ बच्चन को शायद आज से पहले कभी किसी ने इतने गुस्से में नहीं देखा होगा, ऑफ स्क्रीन तो बिल्कुल भी नहीं, तब भी नहीं जब MNS उनके खिलाफ आई, और तब भी नहीं जब बोफोर्स के दाग उन पर उछाले गए, तब भी वो गुस्सा नहीं थे जब ऐश्वर्या की पेड़ से शादी या प्रेगनेंसी के मुद्दे को लेकर गलत खबरें छापी गई। लेकिन अब वो इतना गुस्सा हुए कि सीधे सीधे ब्लॉग में उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे उनका आक्रोश साफ नजर आ रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के किरदार की तरह आज खुद नहीं लड़ सकते, लेकिन एक बड़ी लड़ाई वो नानावती हॉस्पिटल के बेड पर लड़ रहे हैं। दुनिया भर में लाखों जाने ले चुके कोरोना वायरस से उनके परिवार के 4 सदस्य इस बीमारी की चपेट में हैं। ऐसे में ये लड़ाई ज्यादा गंभीर है। बिग बी की आंखों से उस वक्त आंसू आ गए जब उनको सोमवार को खबर मिली कि बहू ऐश्वर्या और उनकी नातिन आराध्या को नेगेटिव पाया गया है, उनको घर भेजा जा रहा है। ऐसे में अचानक उन्हें मैसेज मिलता है कि आई होप यू डाई विद दिस कोविड। ये मैसेज SMS के जरिए मिला या सोशल मीडिया पर बिग बी ने साफ नहीं किया है, लेकिन वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और अपने ब्लॉग में पूरा आक्रोश उड़ेल कर रख दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग की शुरुआत की मिस्टर अज्ञात, आपने अपने पिता का नाम तक नहीं लिखा क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बाप कौन है। या तो मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो तुम एक सेलिब्रिटी के नाम पर अपनी भड़ास निकालने निंदा करने का काम आगे नहीं कर पाओगे। अफसोस कि आपके लिखे को नोटिस में लाने वाला नहीं रहेगा क्योंकि जिस अमिताभ बच्चन पर आपने कटाक्ष किया तब वो जिंदा नहीं रहेगा। आगे उन्होंने लिखा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मैं बच गया तो फिर तुम लोगों के गुस्से का तूफान झेलोगे, मेरी तरफ से नहीं बल्कि मेरे 90 मिलियन फॉलोअर्स की तरफ से। और ये जान लो कि ये दुनिया भर में है, हर कोने में, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और ये केवल इस पेज की EF यानी की एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है बल्कि एक्सटर्मिनेशन फैमिली है। फिर अमिताभ बच्चन ने गुस्से में हिंदी भाषा में कुछ ऐसा लिख डाला, लगा मानो कोई शाप दे रहा हो। मारिच अहिरावण महिषासुर असुर उपनाम हो तो हमारा यज्ञ प्रारंभ होते ही तुम राक्षसों की तरह तड़पोगे। जान लो इतना कि अब तुम ही केवल समाज की आवाज ना हो, चरित्रहीन, अविश्वासी, श्रद्धाहीन, नीचर तुम हो। जाते जाते उन्होंने ये भी लिख दिया कि मे यू बर्न इन योर ओन स्ट्यू। इस ब्लॉग के जरिए ये साफ पता चल रहा है कि अमिताभ बच्चन आखिर कितने गुस्से में हैं।